हियरिंग समाप्त। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि मॉडल कोर्ट्स की वजह से 10 इस्लामिक कत्ल के जेर इल्तवा मुकदमात की तादाद सिफर हो चुकी। अब मुकदमात में किसी को इल्तवा नहीं मिलेगा। जब शहादतें कमजोर होंगी तो मुल्जिम बरी ही होंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पीआईए में गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस पर समाप्त। अदालत की 1 अगस्त को तमाम मुलजमान को रेफरेंस की नकूल फराहम करने की हिदायत। रेफरेंस की समाप्त एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। पेरिस से लाहौर आने वाली पीआईए परवाज सियालकोट एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। परवाज PK 734 दोबारा लाहौर उतर गई। जहाज में 15 बच्चों समेत 342 मुसाफिर सवार। मदीना और मिलान से आने वाली परवाजों का रुख मुल्तान और जद्दा से आने वाली परवाज 7320 का रुख फैसलाबाद मोड़ा गया। तर्जुमान के मुताबिक हिफाजती इकदाम पर परवाजों के रुख मोड़े गए। पंजाब हुकूमत की तमाम अफसरान और मुलाजमीन को टैक्स रिटर्न 2 अगस्त तक फाइल करने की हिदायत। तमाम महकमे और खुद मुख्तार इदारे मुकर्रा मुद्दत में टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। हुक्मनामा आ गया। कबायली अजला में पहली बार सूबाई असेंबली के इंतखाबात 20 जुलाई को होंगे। तारीख में पहली बार कबायली खवातीन भी असेंबली में आ सकेंगी। 16 हलकों पर बराह रास्त इंतखाब होगा। खवातीन के लिए 4 और अकलियतों के लिए 1 नशिस्त मख्तस। डॉलर की कीमत में 80 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 159.25 रुपये पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 56 पॉइंट्स इजाफे से 33,028 की सतह पर ट्रेड। खैबर पख्तूनख्वा में कम उम्री की शादी नाकाबिले जमानत जुर्म होगा। वजीर आला ने बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के खिलाफ वर्जी पर 2 से 3 साल तक कैद, 45,000 जुर्माना होगा। वालिदैन या सरपरस्त को भी इतनी ही सजा और जुर्माना होगा। रजिस्ट्री से वीडियो लिंक समाप्त। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि मॉडल कोर्ट्स की वजह से 10 इस्लामिक कत्ल के जेर इल्तवा मुकदमात की तादाद सिफर हो चुकी। अब मुकदमात में किसी को इल्तवा नहीं मिलेगा। जब शहादतें कमजोर होंगी तो मुल्जिम बरी ही होंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पीआईए में गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस पर समाप्त। अदालत की 1 अगस्त को तमाम मुलजमान को रेफरेंस की नकूल फराहम करने की हिदायत। रेफरेंस की समाप्त एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। पेरिस से लाहौर आने वाली पीआईए परवाज सियालकोट एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। परवाज PK 734 दोबारा लाहौर उतर गई। जहाज में 15 बच्चों समेत 342 मुसाफिर सवार। मदीना और मिलान से आने वाली परवाजों का रुख मुल्तान और जद्दा से आने वाली परवाज 7320 का रुख फैसलाबाद मोड़ा गया। तर्जुमान के मुताबिक हिफाजती इकदाम पर परवाजों के रुख मोड़े गए। पंजाब हुकूमत की तमाम अफसरान और मुलाजमीन को टैक्स रिटर्न 2 अगस्त तक फाइल करने की हिदायत। तमाम महकमे और खुद मुख्तार इदारे मुकर्रा मुद्दत में टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। हुक्मनामा आ गया। कबायली अजला में पहली बार सूबाई असेंबली के इंतखाबात 20 जुलाई को होंगे। तारीख में पहली बार कबायली खवातीन भी असेंबली में आ सकेंगी। 16 हलकों पर बराह रास्त इंतखाब होगा। खवातीन के लिए 4 और अकलियतों के लिए 1 नशिस्त मख्तस। डॉलर की कीमत में 80 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 159.25 रुपये पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 56 पॉइंट्स इजाफे से 33,028 की सतह पर ट्रेड।
खैबर पख्तूनख्वा में कम उम्र की शादी नाकाबिल जमानत जुर्म होगा। वज़ीर आला ने बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के खिलाफ वर्जी पर 2 से 3 साल तक कैद, 45,000 जुर्माना होगा। वालिदैन या सरपरस्त को भी इतनी ही सजा और जुर्माना होगा।